सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे बीट्स स्टूडियो वायरलेस ईयरबड्स के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुके हैं यूएस में और बहुत ही जल्द इंडिया में भी इसे लॉन्च करा जाएगा। बीट्स स्टूडियो बर्ड्स वायरलेस जो हैं, ये फीचर करती हैं एप्पल ट्रांसपेरेंसी मोड को, जो आपको सुनाएगा बाहर की सराउंडिंग्स को। ये जो एसेसरीज है, ये बीट्स स्टूडियो बर्ड जो है, ये एप्पल की एसेसरीज में एक नया लाइनअप सेट किया है कंपनी ने, और ये आती है 3 कलर में, और इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि नो स्टैम डिज़ाइन के साथ में आता है। जो बीट्स स्टूडियो है, ये आते हैं ड्यूल एलिमेंट डायफ्राम के साथ, ड्राइवर के साथ, जो कि प्लेस्ड हैं 2 चैम्बर के अंदर, जो कि प्रोवाइड करते हैं बेटर स्टीरियो सेपरेशन कंपनी के अकॉर्डिंग। ये फीचर करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को, और ये सपोर्ट करते हैं 1 टच पेयरिंग को किसी भी iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, तो ये ऑफ़र होती है 3 कलर्स में, एक है ब्लैक, एक बीट्स रेड और एक वाइट कलर। कंपनी ने इसका प्राइस रखा है $149.99, जो रफली कन्वर्ट हो गया है इंडियन प्राइस में 11,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। यह अभी अवेलेबल हो गया है परचेज़ के लिए US कैनेडा में एप्पल की वेबसाइट से, और शिपिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी 24 जून से। अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाकी रीजन्स में इसे कब लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये पावर करती है ड्यूल एलिमेंट डायग्राम को, जो कि मैंने पहले बताया आपको, और एप्पल का कहना है कि ये एडवांस डिजिटल प्रोसेसर के साथ आती है, जो ऑप्टिमाइज़ कर देता है ऑडियो परफॉर्मेंस को और लाउडनेस और क्लैरिटी। ये जो है 2 मोड्स के साथ में आती है, एक ANC और एक ट्रांसपेरेंसी मोड। ANC यूज़ करता है एक फाइनली ट्यून फिल्टर को, जो डायनामिकली अडाप्ट करता है सराउंडिंग्स को, जो भी अनवांटेड सराउंडिंग्स की वॉइस होती है उनको कान तक पहुंचने से दूर रखता है। और ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है, जो एक्सटर्नल फेसिंग माइक्रोफोन्स अलाउ करता है आउटसाइड की जो वॉइस है उसको कानों से बचाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है, जो एक्सटर्नल की माइक्रोवेंस जो फेस कर रहा है वॉइस को, वो आपके कानों तक पहुँचाता है एप्पल म्यूज़िक के साथ में, और इसे कहा गया है नेचुरल ओपन लिसनिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो बीट्स स्टूडियो बर्ड्स ये डिलीवर करती हैं 8 घंटे का लिसनिंग टाइम विद ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ में, और आपको 2 एडिशनल चार्जेस भी मिलते हैं इसमें। टोटल यूसेज इसका हो जाता है 24 घंटे का। ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ अगर आप उसको ऑन रखते हैं, तो ये डिलीवर करेंगे 5 आवर्स की लिसनिंग एक स्ट्रेच में, और एडिशनल 10 आवर की बैटरी के केस के साथ। जो बीट्स स्टूडियो बर्ड्स हैं, ये सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को, और 5 मिनट के चार्ज में ये डिलीवर करती हैं लगभग 1 घंटे का प्लेबैक टाइम। ये ईयरबड्स जो हैं, ये आती हैं एप्पल के IPX4 रेटेड के साथ स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस, और ये जो बीट्स स्टूडियो बर्ड्स है, ये आती है Class 1 ब्लूटूथ के साथ में, जो कि कनेक्टिविटी को बहुत ईजी बना देता है एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए, और इसमें आता है 1 टच पेयरिंग, जो कि बहुत ही जल्दी इसे कनेक्ट कर देता है आसपास के किसी भी एंड्रॉयड और iOS डिवाइस से। ये फीचर जो है, ये सिर्फ एप्पल डिवाइसेस तक ही सीमित था पहले, लेकिन अब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो भी इसका यूज़ कर पाएंगे बीट्स ऐप के थ्रू, जो फीचर करती है बिल्ट इन कंट्रोल्स को, बैटरी लेवल को और फर्मवेयर अपडेट्स को। और एंड्रॉयड iOS डिवाइसेस के अंदर ये सारे फीचर्स जो हैं, ये इनबिल्ट आते हैं OS के साथ में। इसमें आप सीरी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस हे सीरी कमांड दे के एक हैंड्स फ्री ऑप्शन आपको मिलता है। और ये चार्जिंग केस जो है, ये सपोर्ट करता है USB Type-C चार्जिंग को, और ये जो ईयरबड्स है, ये टच कंट्रोल के साथ में नहीं आती है। इसमें फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, जिससे आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, कॉल्स को स्विच ऑफ कर सकते हो, और आप इसमें स्विच भी कर सकते हो ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।